Subscribe now and press the bell icon. No miss an update from Marula Class. Marula Classes के इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कि लिमिट्स बेसिकली लिमिट्स है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट्स क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स है क्या, कब हम लिमिट को अप्लाई करते हैं। एक मन में हमारे प्रश्न आता है कि लिमिट कब अप्लाई करें, तो हम बहुत ज़्यादा टिपिकल वे में नहीं जाएंगे, टिपिकली डेफिनेशन में नहीं जाएंगे जो बुक्स में दी रखी होती है और हम लोग उसको ट्राई करते हैं और इनिशियली हम समझ नहीं पाते। हमने बोले कि वो डेफिनेशन बेकार है, यूजलेस है। वो डेफिनेशन आपको तब समझ आएगी जब आप धीमे 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 अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझ पाएंगे। रियल एनालिसिस का पार्ट है, काफ़ी डीप में डेफिनेशन दी होती है, तो हम इनिशियल लेवल पे एक जो 11th और 12th स्टैंडर्ड पे होते हैं तो लिमिट को समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए, जैसे कि एक बात आप समझें कि कोई एक नंबर ले लें, सपोज 7 ले लें, 5 ले लें, कुछ भी ले लें, उसको उस नंबर से ही डिवाइड करें, तो देखो उस नंबर का उसी नंबर से अगर डिवाइडेशन लिया जाए तो वन आता है। सिंपल है, कोई भी नंबर हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगर आप 0/7 कर दें तो हमें सिखाया गया कि 0 में किसी भी नंबर का भाग दे तो 0 आता है, ठीक है। एक और रीज़न बताया गया है कि अगर 0 का भाग किसी भी एक फाइनल संख्या में दें तो 0 का भाग पहले सिखाया गया देते ही नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको सिंपली इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, सिंबल है, उसको भी क्लियर करेंगे कि इन्फिनिटी है क्या। बेसिकली इन्फिनिटी के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा जानने की हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है। अगर हम कैलकुलस की ओर बढ़ रहे हैं और कैलकुलस के बारे में सोचते हैं तो एक ये भी बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बट अच्छा है, इस पर भी आप इंटरेस्ट अगर जगाएंगे तो हम इन्फिनिटी के बारे में बात करेंगे, वो बाद बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिमिट इनिशियल लेवल पर हमारे दिमाग में क्या बनता है। तो हम मान लेते हैं कि 7/0 जो है इन्फिनिटी है। अभी इसको इस तरीके से भी नहीं लिख सकते हैं, अगर हम 7/0 लिखें तो टेंस टू इन्फिनिटी लिखेंगे, बट हम उस पर बात अभी नहीं करते। हमने बोला डीप में भी नहीं जाएंगे, हम एक इनिशियल लेवल हमारे दिमाग में ये बनता है हम अगर शुरुआत में हैं। तो आप देखिए कि अब अगर किसी नंबर को, हमने बोला किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें तो वन आंसर आएगा फाइनली, ये आपने समझ लिया। अब हम यही काम 0/0 करें, तो अगर पहला, मतलब ये पहला अगर केस फॉलो हो, पहले केस में ये नंबर 0/0 से ही बराबर है, तो आंसर हमारा पहले केस के अकॉर्डिंग वन आना चाहिए। केस वन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? वन। अगर हम केस वन को एग्जीक्यूट करें कि नंबर सेम नंबर को नेम सेम नंबर से डिवाइड करें, अब केस टू अगर ले लेते हैं तो केस टू में हम अगर इसको भी हम डेफिनेशन के फॉलो कर सकते हैं कि 0 में किसी नंबर का, तो 0 में किसी नंबर का अगर केस टू के अकॉर्डिंग जाए तो आंसर हमें 0 मिलना चाहिए। अगर हम केस थर्ड के अकॉर्डिंग जाएँ कि किसी नंबर में 0 का डिवाइडेशन करें, तो थर्ड केस के अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तो हमें आंसर मिलना चाहिए इन्फिनिटी। तो 0/0 को ये क्या होगा, क्या वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी एग्जैक्टली। मतलब मैथ में किसी भी चीज़ का आंसर है, मैथ में नंबर्स के ऊपर आप जब ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनके आंसर से हमारे 0/0 के 3 आंसर निकल के आते हैं कि क्या वो 1 होगा, क्या वो 0 होगा, क्या वो इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पर ये मीनिंग नहीं बन पाती है, यहाँ पर ये मीनिंग लेस हो जाता है। तो 0/0 फॉर्म जो है वो मीनिंग लेस फॉर्म है, मीनिंग लेस फॉर्म है, जिसको हम एक नाम देते हैं इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट जो हमारी सिंपल एक भाषा में इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। यहीं से शुरू होता है कि ऐसे फॉर्म में कोई क्वेश्चन चला जाए, ऐसे फॉर्म में कोई फंक्शन चला जाए जहाँ पर उसकी मीनिंग नहीं आ पा रही, तो उसके आसपास, उसके नियर अबाउट क्या उसकी वैल्यू रही होगी, ऐसी जगह पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो हम सारे फॉर्म्स को देखेंगे आगे। देखिए, 7 फॉर्म ऐसे हैं जो दिख रहे हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, जिसको मीनिंगलेस फॉर्म बोलते हैं। उन्हीं 7 फॉर्म को पे पूरी लिमिट आसपास घूमती है। जिन 7 फॉर्म में से किसी फॉर्म में अगर होगी तो लिमिट हम अप्लाई करेंगे। तो अब पहले 0/0 फॉर्म को भी देखा, अब इन फॉर्म पे भी आएंगे अभी। तो हमने भी दिखाया कि 7 फॉर्म ऐसे बनते हैं। तो एक फॉर्म है 0/0, ठीक है, ये बेसिक फॉर्म है 0/0। इनडिटरमिनेट फॉर्म की क्या है, बेसिक फॉर्म है, मतलब प्राइमरी फॉर्म है। क्या है ये, इसको प्राइमरी फॉर्म माना गया और बाकी इससे डिराइव है। प्राइमरी फॉर्म इससे डिराइव है, कैसे डिराइव है वो देखते हैं, ठीक है। जैसे हम सेकेंड फॉर्म को लेते हैं इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, बेसिक फॉर्म यही है, ठीक है। अब देखो सेकेंड फॉर्म अगर जो ली गई, सेकेंड फॉर्म जो दी गई है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। अच्छा, एक बात और समझें कि 1/0 है वो इन्फिनिटी है, फाइनाइट, मतलब ये इन्फिनिटी है, डिटरमाइन है। 1/∞ 0 है, ये डिटरमाइन है। इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, ये डिटरमाइन है, ये मीनिंग लेस इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है,
ये डिटरमाइन है, ठीक है, ये मीनिंगलेस नहीं है, ये ध्यान रखें। अभी इनके बारे में बात करें, क्योंकि मीनिंगलेस फॉर्म है कौन सी, इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी है कौन सी नहीं है। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ऐसी और भी फॉर्म हम बताएंगे। अब पहले इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को देखते हैं। तो देखो, हमने बताया कि 1/0 को इन्फिनिटी लिख सकते हैं, तो 1/0 जो है इसको 1/0 लिखते हैं। इन्फिनिटी को क्या लिखा, 1/0, ऐसे ही यहाँ पर इन्फिनिटी को 1/0 लिखा। अब हमने देखा था कि ये वाला ऊपर जाएगा, ठीक है, ये वाला नीचे जाता, देखा है मैथ में ऑपरेशंस को। तो ये आ गया 0/0, तो ये डिराइव फॉर्म हो गए, 0/0 फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गई ना। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी किस में चली गई। अब थर्ड फॉर्म हमारी जो है वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये देखें। अब देखो, ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, ठीक है, लॉजिकली ये आप इसको प्रूव कर सकते हैं किसी भी तरीके से, कि अनंत में अनंत जोड़ेंगे, ठीक है, जैसे सागर में अगर सागर आप जोड़ेंगे तो महासागर बनेगा। तो अनंत में अनंत जोड़ने पर इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जोड़ने पर इन्फिनिटी, मगर इन्फिनिटी में इन्फिनिटी घटाया जाए तो वही डाउट होगा कि दोनों बराबर हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसी फॉर्म को देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बोली गई। तो 1/0 1/0, एलसीएम हम 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0 का 1 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 0 - 0, तो 0/0 ये फॉर्म ये भी हो गई, ठीक है। तो ये भी देखो प्राइमरी फॉर्म नहीं है, मतलब ये डिराइव फॉर्म है। ऐसे ही 0 × इन्फिनिटी, तो इसको तो आप सिंपली जान ही रहे कि 0 × इन्फिनिटी फॉर्म भी चौथी फॉर्म है। तो 0 × इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं, तो इसको भी 0/0 फॉर्म में बोला गया, ठीक है। अब फिफ्थ फॉर्म अगर लेते हैं, 1 की पावर इन्फिनिटी, फिफ्थ फॉर्म क्या है, 1 की पावर इन्फिनिटी। तो 1 की पावर इन्फिनिटी को सपोज हम वाई के बराबर माने, क्या माने, वाई के बराबर 1 की पावर इन्फिनिटी। अब लॉग ले लें, क्या ले लें, लॉग अगर ले लें तो लॉग वाई बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी लॉग वन। अब लॉग वन होता है 0, तो इन्फिनिटी × 0 हो जाएगा। अब वही जो इन्फिनिटी × 0 अभी हम बता चुके हैं कि इसको 0/0 फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो ये फॉर्म भी कन्वर्ट होगा 0/0 में। अब जिस तरीके से हम बता रहे हैं उसी तरीके से फॉर्म एग्जीक्यूट भी होती हैं। अब हमारी जो सिक्स फॉर्म है वो है 0 की पावर 0, और सेवन्थ फॉर्म है वो है इन्फिनिटी की पावर 0, ठीक है। देखिए इन्फिनिटी की पावर 0, एक बात ध्यान दें कि 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 हमने बोली है कि ये मीनिंग लेस है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब देखो इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, अगर हम लिखें इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, तो ये मीनिंग लेस नहीं है, ये इन्फिनिटी होगी, ठीक है। और जो 0 की पावर 0 बोला गया, 0 की पावर इन्फिनिटी ये हमारी 0 होगी, तो ये मीनिंग लेस नहीं है, ये इनडिटरमिनेट नहीं है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ऐसे दिमाग वहाँ बनता है, शुरुआत में बनता है कि इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी ये अलग क्लियर कट है, और 0 की पावर इन्फिनिटी ये फॉर्म हमारी इनडिटरमिनेट, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, ये इनडिटरमिनेट है। अब इन दोनों को एक तरीके से ये अप्लाई कर सकते हैं कि वाई बराबर सपोज 0 की पावर 0 लिया, लॉग ले लिया, तो लॉग ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 log 0, 0 log 0, तो 0 log 0, तो 0 × इन्फिनिटी, लॉग 0 इन्फिनिटी होता है, 0 × इन्फिनिटी, वही फिर 0/0 आएगा। तो ये यहाँ पर अब जिस तरीके से 0/0 फॉर्म को आगे एक्सटेंड किया गया, तो ऐसे 7 फॉर्म मिली। इन 7 फॉर्म्स को अब याद रखिए, क्योंकि लिमिट तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, लिमिट पे आप तभी पारंगत होंगे, एक्सपर्ट तभी बन पाएंगे जब आप फॉर्म पहचान पाएंगे। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, याद रखें, 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0। बारी बारी से इन सारे फॉर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। इनके एक पर्टिकुलर मेथड है, जैसे कि अगर 0/0 फॉर्म का एक क्वेश्चन देखें, 0/0 फॉर्म में कोई क्वेश्चन जैसे होगा तो कैसे होगा एग्जैक्टली, पहले देखते हैं। देखिए जैसे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, x² - 4/x - 2। अब देखो यहाँ पे पहले आप अगर लिमिट अप्लाई करें, एक्स टेंड्स टू 2 एक्स की जगह अप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या होगा कि 4 - 4 और 2 - 2, ठीक है, तो ये 0/0 फॉर्म में चला गया, ठीक है। देखिए एक बात और समझिए, सिंपल सी बात है जो हमारे मन में आती है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके मन में भी आती है। अगर अगर यहाँ एफ एक्स बराबर x+2 अगर आपने लिया है, अगर f(2) इवेल्यूएट करते हैं तो सिंपल है, x की जगह कितना 2 रख दीजिए, तो यहाँ पर भी x की जगह 2 रख देंगे, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ऐसी लिमिट x टेंड्स टू 2, ये बात क्यों बता रहे हैं मैं समझ में आएगी, x+2 करें तो यहाँ पर भी x बराबर क्या है, 2 रख दीजिए, तो 2 + 2 हो जाएगा। देखिए तो हम ऐसे क्वेश्चन में मानते हैं कि x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 का मतलब है कि यहाँ पर हम यही मान के चलते हैं कि x टेंड्स टू 2 का मतलब है कि x बराबर 2, बट यही गलत है। हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 का टेंडिंग 2 का मतलब है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 का मतलब ये हो जाता है कि जब लिमिट x टेंडिंग टू 2 का मतलब है कि x, जैसे एक है कि राम
इज गोइंग टू मारुला, एक है राम इज गोइंग टू मारुला, ठीक है, और एक है हमारा राम इज इन द मारुला, तो राम इज इन द मारुला, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे एक्स टेंडिंग टू टू, तो राम टेंडिंग टू मारुला, अभी मारुला जा रहा है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे क्या है, राम कहाँ पर है, मारुला में है, ठीक। तो ये ध्यान रखें कि x बराबर 2 का मतलब है कि x इक्वल टू 2 है, एग्जैक्टली है, और x टेंडिंग टू 2 का मतलब कि x अभी गोइंग टू 2, x 2 नहीं है, तो अभी x 2 नहीं है, तो 0.0 फॉर्म है, तो इसको हम मेथड के थ्रू इवेल्युएट कर सकते हैं। तो 0.0 फॉर्म के मेथड होंगे, कुछ मेथड होंगे पर्टिकुलर, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, उन पर्टिकुलर मेथड को अप्लाई करेंगे, मगर मेथड तभी अप्लाई करेंगे जब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये फॉर्म कौन सी है, ठीक है। तो हमें हर एक फॉर्म के लिए, मतलब जो 7 हमारे फॉर्म है, 7 इन डेटर मिनट, हम अभी ये बात नहीं कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे लग रहा है, जैसे पीछे हमने आपको आंसर नहीं बताया इसका, तो ये आपका इसका रिप्लाई, आपको इसका आंसर क्या होगा, ये रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, कि आपको 0.0 फॉर्म का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया जाएगा, बनाया गया है, जहाँ पर आपको पर्टिकुलर कैसे 0.0 फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे, कैसे बनेंगे और कैसे आप अप्लाई करते हैं, सिंपली आपको वीडियो बनाया गया है। हम यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले करना क्या है, तो इसके सारे जो हमारे 7 इन डेटर फॉर्म हैं, उसके लिए सबके लिए एक, आप पहले सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फॉर्म चल रहा है, कौन सा फॉर्म है। जैसे एग्जांपल में एक क्वेश्चन जैसे हमने लिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर आपको लिमिट का क्वेश्चन है, आपको इसको अप्लाई करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको याद तो करेंगे नहीं, सबसे पहले आप क्या करिए, फर्स्ट अप्लाई लिमिट, जो लिमिट है उसको अप्लाई करें, तो 0 x टेंड्स टू 0, अप्लाई का मतलब 0, तो x की जगह 0 यहाँ पे रख दीजिए, जहाँ जहाँ x हो वहाँ वहाँ 0 रख दीजिए, तो देखो क्या होगा, 1 प्लस 0 की पावर 1 अपॉन 0, तो ये आ गया कि 1 की पावर इन्फिनिटी, तो अब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में चल रहे हैं, मतलब ये क्या है, फिफ्थ फॉर्म में हम चल रहे हैं, हमें 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए एक पर्टिकुलर हमारा मेथड होगा, ट्रिक होगी, पर्टिकुलर मेथड या ट्रिक बताई जाएगी, वो मेथड ही अप्लाई आपको करना होगा। तो आपको सबसे पहले जब आप इनिशियल लेवल पर होते हैं तो आपको लिमिट के सारे क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे, बट आप कर तभी पाएंगे जब आप पहले क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करके आइडेंटिफाई करेंगे कि किस हम इंडिटरमिनेट फॉर्म में जा रहे हैं। तो ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यही आपको सबसे पहले इनिशियल लेवल पे क्रैक पॉइंट होगी कि मतलब किस फॉर्म पे हम बढ़े, ठीक है। तो आप इन फॉर्म को याद जरूर कर लें, मतलब तभी आप एक्सपर्ट बन पाएंगे अगर आप, तो मेरे हिसाब से ये याद कर लीजिए, इनको हाईलाइट कर दे रहे हैं, और मारुला क्लासेस के वीडियो में आपको कैसा लगा आप ज़रूर एक बार कमेंट जरूर करें, और आगे हम लोग पूरा लिमिट इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट तक जाएंगे, और अगर आप इनिशियल लेवल पे हैं तो मारुला क्लासेस की वीडियो ज़रूर फॉलो करें, फिर हम लोग उसके बाद प्रैक्टिस लेवल पे भी जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही।